बात करते हैं एरर्स की जावा में। तो जावा में तीन तरीके के एरर होते हैं। एक एरर होता क्या है, एक एरर किसी भी प्रोग्राम में कोई भी मैल फंक्शन है, कोई भी ऐसी गलती जिस वजह से वो प्रोग्राम उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसे हम चाहते हैं, वो एरर होता है, ठीक है, या कोई गलती सिंपल। तो तीन तरीके का होता है, सिंटेक्स एरर, एक होता है रन टाइम एरर, एक होता है लॉजिकल एरर। तो सिंटेक्स एरर की बात करते हैं तो सिंटेक्स एरर सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है एरर का। और इसमें क्या हो सकता है कि मान लो तुम कहीं पे सेमी कोलन लिखना भूल गए, या कहीं पे तुमने ब्रैकेट लगाना भूल गए, या कोई तुमने ऐसा वेरिएबल यूज़ कर लिया अपने प्रोग्राम में जिसको तुमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया था लेकिन तुमने उसको यूज़ कर लिया, तो ऐसे जो एरर होते हैं वो सिंटेक्स एरर होते हैं, ठीक। और ये कंपाइलेशन के टाइम पे जब कंपाइलर कंपाइल कर रहा होता है उस टाइम पे आते हैं, इसलिए हम इसे कंपाइल टाइम एरर भी बोल देते हैं, ठीक। रन टाइम एरर क्या होते हैं, रन टाइम एरर ये होते हैं कि ये एरर्स कभी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे डिटेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब तुम जो है प्रोग्राम को मतलब करोगे तो ये कोई ऐसे कंडीशन पे चला जाएगा, या तो इनफाइनाइट लूप या ऐसा कुछ चला जाएगा कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, और मतलब इस वजह से आउटपुट जनरेट ही नहीं होगा, और एक ब्लू कलर की विंडो तुम्हें नीचे दिखने लगेगी जो इधर उधर जाने लगती है। तो ऐसे एरर रन टाइम एरर होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें तो ये सबसे ज़्यादा एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रन टाइम एरर, ठीक। उसके बाद लॉजिकल एरर की बात करते हैं। लॉजिकल एरर को हम लोग सिमेंटिक एरर्स भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लो मुझे करना था इंटीजर डिवीजन, मतलब मुझे स्लैश इस तरह डिवीजन करना था, और मैंने गलती से मॉडुलस लगा दिया, रिमाइंडर निकाल दिया, है ना, तो वो मेरे एंड पे गलती हुई। और उसके अलावा हो सकता है मुझे कोई चीज़ कैलकुलेट करनी, मान लो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है ना, और मुझे उसका फॉर्मूला नहीं पता, ये मैंने गलत फॉर्मूला पुट कर दिया, या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की मैंने गलत फॉर्मूला पुट कर दिया, तो उसमें मेरा आंसर गलत आएगा। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इनकरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया, या फिर क्यों आएगा, क्योंकि मैंने गलत ऑपरेटर यूज़ कर लिया, ठीक है। तो जब ऐसे कोई एरर आते हैं तो उसे हम लॉजिकल बोलते हैं।